नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 80 का दशक जब बॉलीवुड की फिल्मों का 2-4-5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता था, हद से हद 8-10 करोड़। उस दौर में एक फिल्म का ऐसा तूफान आया कि पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। और उस फिल्म का एक गाना किशोर दा को गाना था, परंतु वो कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम और गाने गाने पर लिखा है गाने वाले का नाम। दोस्तों, कोई किरदार हो या फिर कोई गाना, कहते हैं जिसके नसीब में होता है वही कलाकार उसे कर पाता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जब पहले किसी और का नाम जहन में था लेकिन बाद में इसे किया किसी और ने और वह बेहद सफल भी साबित हुआ। ऐसा ही कुछ एक दफा हम सभी के हर दिल अजीज सदाबहार गायक किशोर कुमार के साथ भी हुआ था। और जिस गाने को किशोर कुमार गाने वाले थे वह किसी और की आवाज में रिकॉर्ड हुआ और वह गाना मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माया गया और इतना हिट हुआ कि आज भी उसे सुना जाता है। कौन सा था वह गाना और किशोर दा नहीं तो फिर किसने दी थी उस गाने को आवाज, आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, गाने से पहले उस फिल्म के बारे में बताते हैं जिसका ये गाना था और फिर बताएंगे कि किशोर कुमार इस गाने को आखिर क्यों नहीं गा पाए। यह सुपरहिट गाना मिथुन दा की सुपरहिट फिल्म डिस्को डांसर का था और यह फिल्म 17 दिसंबर 1982 को रिलीज हुई थी। फिल्म को बब्बर सुभाष ने निर्देशित किया था और इसी फिल्म के जरिए डिस्को की बॉलीवुड में एंट्री हुई थी। फिल्म को इतना पसंद किया गया था कि इसने 80 के दशक में 100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था। 1982 में प्रदर्शित फिल्म डिस्को डांसर ने भारत में 6.4 करोड़ का बिजनेस किया तो सोवियत यूनियन में 94.28 करोड़ का बिजनेस किया था। विदेश में कमाई के मामले में इस फिल्म से पहले राज कपूर की फिल्म आवारा थी और डिस्को डांसर ने आवारा से 3 गुना से भी ज्यादा की विदेशी मुद्रा में कमाई की थी। आवारा हूं, आवारा हूं। विदेशी धरती पर कमाई के मामले में डिस्को डांसर का यह रिकॉर्ड दशकों बाद 2009 में आमिर खान की 3 इडियट्स तो 2010 में शाहरुख खान की माई नेम इज खान ने 100 करोड़ से ऊपर की कमाई करके तोड़ा। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म ने मिथुन दा को इंडियन माइकल जैक्सन का खिताब भी दिलवाया था। फिल्म के बाद आइए उस सुपरहिट गाने की बात करते हैं जिसे किशोर कुमार रिकॉर्ड करने वाले थे लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यह गाना है याद आ रहा है तेरा प्यार। यह बोल सुनकर अपने आप आपके जहन में सिंगर का नाम आ गया होगा। यह गाना बॉलीवुड के प्रतिभाशाली संगीतकार पप्पी लहरी ने स्वयं गाया था। याद आ रहा है। गाना इतना सफल रहा, हर गली, हर चौराहे, हर पार्टी, हर महफिल में बस यही गाना सुनाई देता था। तेरा प्यार। यह गाना किशोर कुमार रिकॉर्ड करने वाले थे लेकिन जिस दिन रिकॉर्डिंग होनी थी वे मुंबई से बाहर थे। किशोर दा शाम तक मुंबई पहुंचकर गाना रिकॉर्ड करने वाले थे लेकिन किशोर दा की फ्लाइट लेट हो गई। इधर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सभी उनका इंतजार कर रहे थे। ऐसे में बप्पी दा ने सोचा कि किशोर मामा के आने तक मैं गाना रिकॉर्ड कर लेता हूं ताकि मामा उसे सुन लेंगे तो उनके लिए गाना
आसान हो जाए। दरअसल बप्पी लहरी किशोर दा को प्यार से किशोर मामा पुकारते थे, तो मामा के भांजे ने सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश भर की थी, पर किसे पता था इस कोशिश का आगे क्या अंजाम होने वाला था। फ्लाइट लेट होने के कारण किशोर कुमार काफी लेट मुंबई पहुंचे। जब वे रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे तो बप्पी लहरी ने उन्हें बताया कि गाना एक बार ऐसे ही रिकॉर्ड किया गया है जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आप सुन लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। किशोर दा ने जब गाना सुना तो वे काफी खुश हुए। उन्होंने बप्पी से कहा कि इतना अच्छा गाया है, ये गाना तुम्हारी आवाज में ही जाना चाहिए। बप्पी दा समेत रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सब हैरान। बप्पी दा बोले, मामा ऐसे कैसे, ये तो आप ही गाएंगे। किशोर दा हंसे और बोले, बप्पी दिल से बोल रहा हूं, तूने जबरदस्त गाया है और अब मैं इसे गाकर तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर सकता। परेशान मत हो, ये तेरे मामा का ऑर्डर है और मेरा आशीर्वाद है, ये गाना सुपरहिट होगा, तहलका मचा देगा। बस फिर क्या था, जैसा मामा का हुक्म था ठीक वैसा ही हुआ और बप्पी दा का सबसे हिट गाना दर्शकों के सामने आया और वाकई तहलका मचा दिया। तो ऐसे दरिया दिल इंसान थे आपके, हमारे, हम सबके प्यारे किशोर दा। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, बताइएगा जरूर। और चलते चलते बप्पी दा की आवाज में एक और गाना है, और आपसे एक सवाल कि बप्पी दा की आवाज में आपका मनपसंद गाना कौन सा है। यार बिना चैन का रे। तो मिलता हूं दोस्तों जल्दी एक और वीडियो के साथ। तो जाने से पहले आप सभी को यशदीप कौशिक का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का शुक्रिया, आभार, अभिनंदन, थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।